हेलो स्टूडेंट्स वेलकम आज हम अपना लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोफेशनल इथिक्स तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय प्रोफेशनल इथिक्स प्रोफेशनल इथिक्स मींस टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद एथिकल ह्यूमन कंडक्ट देखिए पिछले दो तीन लेक्चर में हम लोगों ने इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को डिस्कस किया था ठीक है तो प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब ये है ये है कि ह्यूमन बींग के अंदर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस डेवलप हो किसके साथ इथिकल ह्यूमन कंडक्ट के साथ मतलब जब ह्यूमन बींग के अंदर इथिकल ह्यूमन कंडक्ट होगा तो उसके अंदर क्या होगा जो प्रोफेशनल इथिक्स या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल योग्यता जो उसके अंदर डेवलप होगी और साथ में इथिकल ह्यूमन कंडक्ट होगा उसको प्रोफेशनल इथिक्स बोला गया है ठीक है इथिकल ह्यूमन कंडक्ट मीन्स डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट इथिकल ह्यूमन कंडक्ट को हमने कैसे समझा था कि जब हमारे व्यवहार में हमारे कंडक्ट में ह्यूमन कंडक्ट में एक डेफिनेटिवनेस आ जाती है हम हारमोनी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं हारमोनी के सेंस में वर्क करना शुरू कर देते हैं तो उसको इथिकल ह्यूमन कंडक्ट बोला गया है ठीक है इथिकल ह्यूमन कंडक्ट इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स तो अगर हमारे अंदर इथिकल ह्यूमन कंडक्ट है तो ये हमारे लिए जो हम प्रोफेशनल इथिक्स की जो बात कर रहे हैं उसके लिए एक बेस का काम करेगा फाउंडेशन का, का काम करेगा एक आधार का काम करेगा है ना तो अभी जैसे आप लोग सभी स्टूडेंट लाइफ में हैं आगे चल के जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी तो आपके अंदर प्रोफेशनल इथिक्स का आना बहुत जरूरी है और प्रोफेशनल इथिक्स कब आएगा जब आपके अंदर इथिकल ह्यूमन कंडक्ट होगा ठीक है the only effective way to ensure professional ethics is through correct appraisal and systematic development of ethical competence in the professional the human being ठीक अब effective way क्या है कि हमारे अंदर professional ethics आए और हमारे अंदर जो है डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो आए तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें अपना करेक्ट अप्रेजल करना पड़ेगा और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा अपने अंदर जिससे हमारे अंदर एक योग्यता डेवलप हो और वो योग्यता कैसी होनी चाहिए इथिकल होनी चाहिए ताकि उस योग्यता को हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर सकें यूज कर सकें ठीक है प्रोफेशन इज अ सिग्निफिकेंट डोमेन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी टारगेटेड टुवर्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन द लार्जर ऑर्डर विच इंक्लूड्स द सोसाइटी एंड नेचर अराउंड अब देखिए प्रोफेशन को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है प्रोफेशन ह्यूमन एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है इम्पॉर्टेंट पार्ट है और प्रोफेशन के बेस पे हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेशन करते हैं और ये लार्जर ऑर्डर क्या हो सकता है ये लार्जर ऑर्डर सोसाइटी हो सकता है और नेचर हो सकता है ठीक है दस इट इज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन फॉर ईच वन इन वन और मोर ऑफ द फाइव डोमेन्स ऑफ ह्यूमन एंड एवर नीडेड फॉर अ हारमोनीशस सोसाइटी तो हमने फाइव फाइव डोमेन ऑफ ह्यूमन एंड पढ़े थे लास्ट लेक्चर में है ना तो यहाँ पे प्रोफेशन का मतलब ही ये है कि इन पांचों डोमेन के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन हो कम से कम एक में तो पार्टिसिपेशन हो और वो पार्टिसिपेशन कैसा होना चाहिए वो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए और अगर हमारा मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन इन डोमेन्स के अंदर होगा तो हम आ, य, आ, जो एक हारमोनियस हारमोनिशियस सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें हम पार्टिसिपेट कर पाएंगे मीनिंगफुल पार्टिसिपेट इन द लार्जर ऑर्डर तो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि इथिकल कंडक्ट जब हमारे प्रोफेशन में आएगा इसका मतलब यह है कि हम जो है हम हमारे अंदर जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनका राइट right यूटिलाइजेशन कर रहे हैं और उन प्रोफेशनल स्किल्स का राइट right यूटिलाइजेशन करने के बाद हम क्या कर पा रहे हैं हम कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल जो है उसका फुलफिलमेंट कर पा रहे हैं मीन्स एक लार्जर ऑर्डर में हम मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जो है वो कर रहे हैं प्रोफेशनल इथिक्स कंसर्न द मॉरल इश्यूज दैट अराइज बिकॉज ऑफ द स्पेशलिस्ट नॉलेज दैट प्रोफेशनल्स अटेन एंड हाउ द यूज ऑफ दिस नॉलेज शुड बी गवर्न प्रोवाइडिंग सर्विस टू दब्लिक तो बेसिकली प्रोफेशनलिस्ट नॉलेज है वो भी आ जाती है जिसके थ्रू हम एक लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट करते हैं और जिससे हम क्या करते हैं पब्लिक के सर्विस के लिए काम करते हैं पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करते हैं ठीक है अब प्रोफेशनल इथिक्स में हम कॉम्पिटेंस या योग्यता की बात करते हैं तो वो क्या है कैसे उसको डिफाइन करते हैं तो प्रोफेशनल इथिक्स मीन्स टू डेवलप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस विद इथिकल ह्यूमन कंडक्ट प्रोफेशनल इथिक्स जैसे अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया प्रोफेशनल इथिक्स का मतलब ही यह है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को डेवलप करना किसी ह्यूमन मींग के अंदर है ना और वो जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वो जो योग्यता होगी उसमें इथिकल ह्यूमन कंडक्ट का होना बहुत जरूरी है तो डेवलपिंग इथिकल कॉम्पिटेंस इन द इंडिविजुअल और प्रोफेशन इज द ओनली इफेक्टिव वे टू एंश्योर प्रोफेशनल इथिक्स अगर किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर इथिकल कॉम्पिटेंस को डेवलप कर पा रहे हैं उसके प्रोफेशन में डेवलप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हम क्या एंश्योर कर पा रहे हैं हम प्रोफेशनल इथिक्स को एंश्योर कर पा रहे हैं द डेवलपमेंट ऑफ इथिकल कॉम्पिटेंस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस टू बी अचीव थ्रू अप्रोप्रिएट वैल्यू एजुकेशन अब ये जो देखिए पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर हम इथिकल को डेवलप करने की बात कर रहे हैं तो यह कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, है ना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जिसको थ्रू जिसको हम वैल्यू एजुकेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं अटेन कर सकते हैं वैल्यू एजुकेशन के थ्रू एंश्योर कर सकते हैं ठीक है ठीके? या वैल्यू एजुकेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं तो एज प्रोफेशन

सेलियंट फीचर्स करेक्टराइजिंग दिस कॉम्पिटेंस कैन बी समराइज एज फॉलोज अब फीचर्स देख लेते हैं ठीक है वो सेलियंट फीचर्स क्या है कि किसी के अंदर कॉम्पिटेंस जो है वो इथिकल ह्यूमन कंडक्ट या कॉम्पिटेंस डेवलप करने की जो बात हो रही है ना? तो सेलियंट फीचर्स क्या क्या है पहला है क्या क्या होना चाहिए क्लैरिटी अबाउट द कॉम्प्रीहेंसिव ह्यूमन गोल जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि ह्यूमन बीइंग का गोल क्या है कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल क्या है हर एक ह्यूमन बींग के अंदर उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए जैसे समाधान समृद्धि अभय और एंड इट्स फुलफिलमेंट थ्रू यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर फ्रॉम फैमिली फैमिली टू वर्ल्ड तो समाधान समृद्धि अभय और सअस्तित्व की क्लैरिटी हो और इसको कैसे हमें आगे चल के इसका फुलफिलमेंट करना है फैमिली ऑर्डर से लेके वर्ल्ड फैमिली तक कैसे इसको लेके जाना है इसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है सेकेंड कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए एज वेल एज वेल एज कॉन्फिडेंस इन द हारमोनी को एग्जिस्टेंस एंड सेल्फ रेगुलेशन अपने अंदर कॉन्फिडेंस हो साथ में जो हम हारमोनी की बात कर रहे हैं सहअस्तित्व को एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं या सेल्फ रेगुलेशन की बात कर रहे हैं उसमें भी हमारा कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है है ना और ये जो हारमोनी है को एग्जिस्टेंस है सेल्फ रेगुलेशन है ये पूरी एग्जिस्टेंस में प्रिवेल कर रहा है पूरे एग्जिस्टेंस में ये प्रेजेंट है right तो बेस्ड ये हमारी राइट right अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होगा तो अगर हमारे अंदर राइट right अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा साथ में हम हारमोनी को और सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रख पाएंगे कॉम्पिटेंस ऑफ म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस इन इथिकल ह्यूमन कंडक्ट एंड इट्स को रिलेशन सस्टेनेबल पर्सनल एज वेल एज कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड ठीक है तो जो म्यूचुअली फुलफिलिंग बिहेवियर है जिसमें मैं भी खुश हूँ सामने वाला पर्सन जो मेरे रिलेशन में वो भी हैप्पी है तो इस तरह की योग्यता हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी हमारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए इथिकल ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर जिसके थ्रू हम क्या कर सकें एक कलेक्टिव हैप्पीनेस सोसाइटी के अंदर जो हैप्पीनेस है या जो प्रॉस्पेरिटी है उसको अचीव कर पाए देन कॉम्पिटेंस ऑफ म्यूचुअली एंड रिचिंग इंट्रेक्शन विद नेचर एबिलिटी टू एसेस द नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज फॉर द फैमिली एंड देर फुलफिलमेंट थ्रू प्रोडक्शन सिस्टम एंड श्योरिंग हार्मोनी इन द नेचर दूसरा हमारे अंदर ऐसी योग्यता डेवलप होनी चाहिए जिससे हम म्यूचुअली एनरीचिंग इंट्रैक्शन हमारा हो जिसके साथ भी हम इंटरेक्शन करें वो फुलफिलिंग होना चाहिए वो एनरिचिंग का होना चाहिए वो एक्सप्लाइटेशन का नहीं होना चाहिए है ना चाहे वो नेचर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो फिर हम अपनी नीड्स या अपनी फैमिली की फिजिकल नीड्स की एबिलिटी को एक्सेस कर रहे हो उसको देख रहे हो कि कितनी हमें फिजिकल फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है ठीक है और फि... उन नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो प्रोडक्शन सिस्टम है उनको हम क्या कर पाए उनको सही से एनालिसिस कर पाए कि कौन कौन से प्रोडक्शन सिस्टम से हम अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं तो इससे क्या होगा इससे नेचर के अंदर एक हारमोनी डेवलप होगी और फिफ्थ है कॉम्पिटेंस ऑफ एक्चुअलाइजिंग वंस अंडरस्टैंडिंग इन रियल लाइफ ठीक जो हम राइट right अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं उसको हम अपनी रियल लाइफ में क्या करें यूज करें तो राइट right अंडरस्टैंडिंग को सही समझ को हम एक्चुअल लाइफ में यूज कर पाए इसकी योग्यता भी मेरे अंदर डेवलप होनी चाहिए हम सभी के अंदर डेवलप होनी चाहिए ठीक है तो इससे हम क्या कर सकते हैं अपने अंदर जो योग्यता की बात कर रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में उनको हम क्या कर सकते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं ठीक है थीके? तो प्रोफेशनल इथिक्स बेसिकली क्या है कि जब हमारी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी उससे पहले हमारे अंदर राइट right अंडरस्टैंडिंग आ जाए हमारे अंदर एथिकल ह्यूमन कंडक्ट आ जाए जिससे हम अपनी जॉब में अपने प्रोफेशन में भी राइट right अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके हारमोनी की तरफ हम लोग जो है वो जा सके ठीक है तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे थैंक यू